क्या आपको पता है आने वाले समय में एक पानी के ग्लास की क्या कीमत होगी? अनमोल, बहुमूल्य, प्राइसलेस। कभी सोचा है कि आपके जीवन की क्या कीमत है? आपके परिवार, आपके बच्चों के जीवन की कीमत क्या है? अनमोल, बहुमूल्य, प्राइसलेस। क्या आप जानते हैं 2020 तक भारत के 21 बड़े शहरों में ग्राउंड वाटर खत्म हो जाने के हाई चांसेस हैं? चेन्नई में पानी 2019 में पहले ही खत्म हो चुका है और साइंटिस्ट के हिसाब से बेंगलुरु का अगला नंबर है। और इसके पीछे मेन रीजन है पिछले 70 सालों में कावेरी का 40% सूख जाना। लेकिन समस्या सिर्फ सूखे की नहीं है, समस्या थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब बरसात नहीं होती है तो नदियाँ सूख जाती है और जब बरसात होती है तो नदियाँ गांव के गांव बाढ़ में बहा ले जाती है। आपको लगता होगा कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? बाढ़ और सूखा तो प्रकृति के हाथ में है, पर अगर मैं कहूँ कि इस समस्या का सलूशन पूरी तरह से आपके हाथ में है तो क्या आप मानेंगे? और सलूशन बहुत सीधा है, हमें पेड़ लगाने होंगे। अगर पेड़ होंगे तो बारिश के समय रेन वाटर जमीन में इकट्ठा होगा और बूंद बूंद रिसकर नदियों में जाएगा, और इस पानी की वजह से बरसात के बाद भी हमारी नदियां पूरे साल बहती रहेंगी। लोगों को लगता है नदियां हैं तो पेड़ हैं, मगर सच इससे ठीक उल्टा है। पेड़ हैं तो नदियां हैं, और हमने कावेरी के पास के 87% पेड़ों को काट दिया है। नदियों को बचाने के लिए हम किसानों को पेड़ लगाने में मदद कर रहे हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं कावेरी नदी से। 242 करोड़ पेड़ कावेरी घाटी में लगाए जाएंगे। इन पेड़ों को लगाने में और कावेरी को बचाने में हमारी सहायता करें। एक पेड़ लगाने के लिए कंट्रीब्यूट करें 42 रुपीज। कावेरी पुकार रही है, क्या आप सुन रहे हैं? नदियों की कीमत को पहचानिए, ये उतनी ही कीमती है जितना हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हमारा भविष्य। अनमोल, बहुमूल्य, प्राइसलेस।